हाय फ्रेंड्स, मानी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ और एक शेयर जिसका नाम है आपका पैकेजिंग फूड हेरिटेज फूड लिमिटेड। 335 रुपये में ट्रेड करता हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.66% आपका अप मूव दिखाया। अभी भी 40% अंडर वैल्यू में स्टॉक आपको मिल रहा है दोस्तों। 3.5 मिलियन हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 40% अभी भी अंडर वैल्यू में मिल रहा है और बहुत अच्छा चांसेस है कि 40% बहुत जल्द आपको आ जाएगा, क्योंकि ये टारगेट जो है आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। स्टॉक का आपका राइट इशू भी आपका दे दिया है, तो देख लेते हैं राइट इशू, फिर टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देख सकते हो हेरिटेज फूड स्पाइक 16% एज बोर्ड ने जब भी अप्रूव किया है 1:1 राइट इशू का आपका शेयर का, तो जहाँ राइट इशू अप्रूव कर दिया बोर्ड ने, हेरिटेज फूड ने 16% का तेज़ी दिखाया। तो देख सकते हो कि कितना अच्छा न्यूज़ निकल गया हेरिटेज फूड की तरफ से। फ्राइडे अनाउंस किया था, बोर्ड मीटिंग हुआ था और सीधा सीधा 16% से लेकर 7% का तेज़ी के साथ बंद हुआ है। 1:1 वे में ऑफ द राइट इशूज। फेस वैल्यू कितना क्या रहेगा दोस्तों? 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का। जिसके पास भी आपका 5 रुपये का शेयर होगा, 5 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से आपका राइट इशू होगा कंपनी की तरफ से। रिकॉर्ड डेट अभी भी कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन द रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट क्या है? सेम विल बी नोटिफाइड लेटर। तो अभी नेक्स्ट में बताएगा, रिकॉर्ड डेट अभी तक बताया नहीं है। तो आप लोग अभी बाई करके रख सकते हो, तो राइट इशू का आपको फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी स्टॉक में अगर अंडर वैल्यू में आपका राइट इशू आता है, तो वो स्टॉक का प्राइस जो है वॉल्यूम के साथ साथ एक नया टारगेट को अचीव होता हुआ दिखेगा। और ये नया टारगेट जो रहेगा, ये 40% अप मूव हो सकता है जो आपका अंडर वैल्यू में मिल रहा है। तो अभी देख लेते हैं कि टेक्निकली क्या बोल रहा है। टेक्निकली इसका 450 का आपका मतलब 32% 450 का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी 335 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 450 का टारगेट अप ट्रेंड देखो दिखा रहा है। 34% अपसाइड मोमेंटम है। नेगेटिव में 7 है, पॉजिटिव में 16 है। तो यहाँ से सीधा सीधा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं दिया था पिछले साल में एक वन ईयर के कंपेयर में, तो यहाँ से सीधा सीधा एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। स्टॉक ने बहुत ज़्यादा आपका ये कर लिया है, नीचे आ गया था, फिर सपोर्ट लिया 240-260 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक धीरे धीरे फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ से सीधा अगर 350 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 440 का टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में। हाई ट्रेड के साथ फ्राइडे ये आया था राइट इशू का, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आपका जनरेट हो चुका है। और नया जो 4 एनालिसिस में 3 स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल जनरेट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जून क्वार्टर में देखो कितना ज़्यादा 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पिछले मार्च क्वार्टर के कंपेयर में। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी उस हिसाब से 100 करोड़ का बढ़ा है। डेप्रिसिएशन उस हिसाब से सेम ही था दोनों क्वार्टर में। तो EPS भी बढ़ गया है दोस्तों, EPS थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि आपका उस हिसाब से कंपेयर में लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में 4% घट गया है। स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू में है और अभी एक बहुत सीधा सीधा आपको बहुत अच्छा खासा 440 का टारगेट देखने को मिलेगा। अभी ट्रेड जो है आपको देख सकते हो RSI 61 में है, MFI 76 में है। और यहाँ से सीधा सीधा एक स्ट्रांगली टारगेट देखने को मिलेगा आपको। 440 रुपये के लिए बाई करके चल सकते हो और मेरे ख्याल से ये नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। बहुत फास्ट एक्शन होने वाला है। 3% दिया है लास्ट वन ईयर में, वन मंथ में आपका रिटर्न, और 3 मंथ में 26%। तो 3 ईयर में 3 मंथ अगर आप होल्ड करके रखते तो 30% के आसपास आपको तेज़ी मिल जाता है स्टॉक में। तो बहुत अच्छा रिटर्न, 1 महीने में 10% का रिटर्न निकल के दिया है। UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने आपका म्यूचुअल फंड के हिसाब से 4.6% होल्ड करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड है और FII ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाया है 1.62% से लेकर 2.04% जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा घटाया है क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका घटाता बढ़ाता रहता है। म्यूचुअल फंड का उतना मायने नहीं रखता जितना आपका FII का मायने रखता है, क्योंकि FII अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बाहर से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है स्टॉक में, तभी ये FII बाई कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपका प्राइस एक्शन होने वाला है दोस्तों। कॉरपोरेट एक्शन के हिसाब से 21 जुलाई को इसने 2.5 रुपये का आपका डिविडेंड दिया है। तो ऐसा भी नहीं कि डिविडेंड नहीं पे करता, डिविडेंड भी पे करता है। और हेरिटेज फूड वन ऑफ द मोस्ट देखो 34% का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखेगा और ये 450 का टारगेट रहने वाला है। लास्ट में देखा जाए तो 650 का टारगेट बहुत 2 साल पहले का दिया हुआ, तो ये हम जान नहीं रहे। 450 का टारगेट आपको नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपको
अचीव होता हुआ दिख सकता है अगर सब कुछ पॉजिटिविटी रहा तो। 97% वोट में से 78% बाइंग का राय दे रहा है, मेरा भी बाइंग का ही राय रहेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि राइट इशू जब भी स्टॉक में आता है तो मतलब कॉरपोरेट खुद बुलिश होता है स्टॉक को लेकर के कितना राइट इशू 1:1 रेशियो में राइट इशू दे रहे हैं। तो आप बने रह सकते हो 450 के लिए और 34% आपको तेजी आ सकता है। ऐसे अमेजिंग वीडियो लाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल मनी मेकर को। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स।